सोलन में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, जिसके चलते जहां एक ओर प्रदेश सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है, वहीं अब सोलन जिला प्रशासन भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है, जिसके चलते उपायुक्त कार्यालय में बैठकों का दौर आरंभ हो चुका है। सूत्रों की माने तो सोलन में जल्द कई तरह की पाबंदियां भी लग सकती हैं। ये संकेत उपायुक्त सोलन केसी चमन भी मीडिया में जारी अपने बयान में दे चुके हैं। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार शनिवार और रविवार को बाजार बंद करने का आदेश दे चुकी है। ये आदेश सोलन में भी लागू किए जा रहे हैं। केवल राशन, सब्जी और दवाइयों की दुकानें ही खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण जिला में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आवाजाही को नियंत्रण करने के लिए भी कुछ और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उन्होंने सोलन की जनता से आग्रह किया कि वे एक माह तक अपने घरों से तभी बाहर निकले जब कार्य बेहद जरूरी हो, अन्यथा वे अपने घरों में ही रहें। रामनवमी की सबको हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें और आने वाले समय में कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब सुनिश्चित रखें और घरों से बाहर ना निकलें। अभी एक महीना भर लोग घरों से बाहर बिल्कुल ना रहें, अनावश्यक तौर पे बाजार से मत आएं और घरों पर संक्रमण से बचें और अपने आप को बचाएं। प्रदेश सरकार के जैसे आदेश हो गए स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, सैटरडे और संडे को दुकानें पूर्णतया बंद रहेगी। किसी प्रकार की आवाजाही है उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाने की अभी सोच रहे हैं, ताकि लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो और संक्रमण को कम किया जा सके। सर, इस बीच कौन सी दुकानें खुली रहेंगी? एसेंशियल जो सर्विसेज है वो खुली रहेगी और मेडिसिन शॉप्स है जो है वो सब रहेगी।